Asslam alaikum friends, welcome to the government jobs portal youtube channel. Dosto, agar aap hamare channel pe naye hain to hamare channel ko subscribe kijiyega, hamari videos ko like kijiyega aur hum bell icon ko touch karna na bhuliyega taki hamare upcoming videos ke notification aap tak pahunche. की तरफ तो दोस्तों यहां पे फर्स्ट जो ऐड है वो है एक स्टील मिल की एडवर्टाइजमेंट है. तो इसके बारे में मैं आपको बताऊंगा कि कौन-कौन सी पोस्ट यहां पे इन्होंने वैकेंट दिखाई है और एडवर्टाइजमेंट दी है. तो इसके बारे में आपको डिटेल बताऊंगा और इंशाल्लाह बहुत सारी ऐसी वीडियोस आपको हम डेली देते रहेंगे. तो काइंडली बेल आइकन को टच करना ना भूलिएगा. तो दोस्तों सबसे पहली जो पोस्ट है पाकिस्तान स्टील मिल में वो है, ये पोजीशंस हैं क्यूएडी डिपार्टमेंट, क्वालिटी एश्योरेंस डिपार्टमेंट. क्यूएडी का मतलब है क्वालिटी एश्योरेंस डिपार्टमेंट. ठीक है दोस्तों, तो सबसे पहली पोस्ट है असिस्टेंट मैनेजर की. जॉब कोड है AM091 और रिक्वायरमेंट यहाँ पे है BE Metallurgy, Mechanical, Industrial, Manufacturing, Minimum 2 years experience in Steel Industry, QAQC of Rolling Mill Preferred. यानी के ये qualification होनी चाहिए, BE होनी चाहिए इन departments में, इन subjects में, तो वो अहल है बंदा. उसके बाद है Trainee Engineer की post है, इसका job code है TE092. और इसकी रिक्वायरमेंट है बीई मेटलर्जी मैकेनिकल इंडस्ट्रियल मैन्युफैक्चरिंग फ्रेश इंजीनियरिंग ग्रेजुएट. यानी फ्रेश इंजीनियरिंग ग्रेजुएट जो इन में बीई की होगी जिन्होंने, तो वो लोग अभी अप्लाई कर सकते हैं. और तीसरी पोस्ट है जूनियर एग्जीक्यूटिव क्यूएडी, जॉब कोड JE093. यहाँ पर रिक्वायरमेंट जो इन्होंने दी है वो है DAE, वही मेटलर्जी और मैकेनिकल की, और मिनिमम 2 ईयर एक्सपीरियंस इन स्टील इंडस्ट्री, QAQC एक्सपीरियंस इन रोलिंग मिल प्रेफर्ड. यानी 2 साल का तजर्बा होना चाहिए और वो लोग इनको दरकार है. और चौथी जो यहाँ पे पोस्ट है इन्होंने जो दी हुई है वो है ट्रेनी डिप्लोमा होल्डर, QAD, जॉब कोड TDH094. रिक्वायरमेंट यहाँ पे जो है DAE मेटलर्जी है और मैकेनिकल और फ्रेश. यानी ये लोग अप्लाई कर सकते हैं. कैसे अप्लाई कर सकते हैं, यहाँ पे इन्होंने एक क्राइटेरिया दिया है. अगर आपका क्राइटेरिया इससे मैच होता है तो आप फुल कॉन्फिडेंस से यहाँ पे जो पोजीशंस दी गई है इनमें से किसी पे भी अप्लाई कर सकते हैं. इनका कोड आपको याद करना पड़ेगा और यहाँ पे एक वेबसाइट दी गई है, मैं आपको दिखा रहा हूँ, www.psmltd.com. तो यहाँ पे इन्होंने ये वेबसाइट दी गई है, तो इस पे हम चलते हैं और देखते हैं कि इसमें क्या क्या है. तो दोस्तों हम इस वेबसाइट को खोल चुके हैं, आप देख सकते हैं इसमें के कौन कौन सी चीज़ें हैं. तो यहाँ पे हमें कैरियर ढूंढना है, तो आप देख सकते हैं यहाँ पे बहुत सारे यहाँ पे ऑप्शंस हैं, लेकिन कैरियर का ऑप्शन सिर्फ यहाँ है. तो हम यहाँ कैरियर पे टच करेंगे और देखेंगे यहाँ पे कि कौन कौन सी वैकेंसीज़ हैं. वही वैकेंसीज़ हैं जो उन्होंने बताई है. तो यहाँ पे आप देखिए कि असिस्टेंट मैनेजर की वैकेंसी है जो मैंने आपको बताई, असिस्टेंट मैनेजर, ट्रेनी इंजीनियर, जूनियर एग्जीक्यूटिव और ट्रेनी डिप्लोमा होल्डर. तो ये सारी लिखी हुई है यहाँ पे पोस्ट. अगर हम यहाँ पे जूनियर एग्जीक्यूटिव के लिए अप्लाई करते हैं तो यहाँ पे हमें सबसे पहले यहाँ पे कोड जो है जूनियर एग्जीक्यूटिव का वो है JE093 लगाना पड़ेगा. और यहाँ पे हमें
और यहाँ पे प्लेस ऑफ बर्थ हमें हैदराबाद लिखना है, डिस्ट्रिक्ट लिखना है वो जहाँ पे हम पैदा हुए, और यहाँ पे शनाख्ती कार्ड नंबर लिखना है। जी हाँ दोस्तों, शनाख्ती कार्ड नंबर लिखना है। जैसे मैं यहाँ पे इसको मिटाऊंगा तो यहाँ पे मैं नंबर लिखता हूँ अपना, ठीक है दोस्तों। और यहाँ पे मैरिटल स्टेटस लिखना है कि आप शादीशुदा हैं या सिंगल हैं। तो अगर आप सिंगल हैं तो सिंगल लिख दें, अगर शादीशुदा हैं तो शादीशुदा लिख दें। उसके बाद यहाँ पे आपको एजुकेशन इंफॉर्मेशन देनी है, ठीक है दोस्तों। ये भी मैं आपको फॉर्म भर के दिखाता हूँ कैसे एजुकेशन इंफॉर्मेशन भरते हैं। तो यहाँ पे मैट्रिकुलेशन लिखी हुई है, यहाँ पे ईयर ऑफ पासिंग आपको लिखना है कि कब आपने पास किया था। तो यहाँ पे डिवीज़न कौन सा था, फर्स्ट था, सेकंड था, थर्ड था, वो सब लिखा हुआ है। तो फर्स्ट हो तो फर्स्ट पे क्लिक करें। ग्रेड कौन सा था, ए था मेरा, आपका जो भी हो आप वो लिख सकते हैं। परसेंटेज कितनी थी, मेरी थी 70%, तो मैं 70% लिखूँगा। आपकी जो भी हो आप वो लिख सकते हैं। और स्कूल का नाम यहाँ पे आपने लिख देना है, गवर्नमेंट बॉयज़ हाई स्कूल, ये शॉर्ट में लिखना है या फुल लिख दें तभी भी कोई मसला नहीं है, तो आप ये लिख सकते हैं, ठीक है दोस्तों। और यहाँ पे आपने लिखना है मेजर फील्ड, यानी कि सब्जेक्ट, किस सब्जेक्ट में आपने किया है। तो यहाँ पे आप टच करके साइंस लिख सकते हैं, ठीक है दोस्तों। इसी तरह आप ये सारे भर सकते हैं जिस तरह मैंने ये लिखा है। तो यहाँ पे एजुकेशन थ्री में आप बीए, एमए, बीएससी जो आपका क्वालिफ़िकेशन हो वो लिख सकते हैं। और यहाँ पे फोर में भी आपने एमई अगर की हुई है और यहाँ पे आपने बी मैकेनिकल की हुई है तो उसकी डिटेल आप यहाँ पे लिख के और इसको भर सकते हैं। उसके साथ दोस्तों यहाँ पे एक्सपीरियंस लिखा हुआ है कि आपका कौन कौन सी फील्ड में एक्सपीरियंस है और कितने मंथ का है, कहाँ से शुरू किया। यानी देखिए फर्स्ट एक्सपीरियंस में मैं आपको बताता हूँ किस तरह ये फिल करना है। तो अगर आप जनवरी से स्टार्ट करते हैं, जनवरी से या मई से आपने जॉब मिली आपको, और वो कब कब से मिली, 2001 से मिली और ख़त्म कब हुई, ये ख़त्म हुई अक्टूबर में और ये चली हमें 2019 तक। तो यहाँ पे आपने ऑर्गेनाइजेशन नेम यानी डिपार्टमेंट का नेम लिखना है, डेजिग्नेशन लिखना है, ऑर्गेनाइजेशन नेम यानी कि मैं यहाँ पे एक एग्जांपल के तौर पे लिखता हूँ बोर्ड ऑफ रेवेन्यू सिंध। और यहाँ पे मैं डेजिग्नेशन लिखता हूँ इंजीनियर, ठीक है दोस्तों। तो आपने भी इस तरह ही लिखना है। और लास्ट सैलरी यहाँ पे लिखना है यानी जो आपने सैलरी उठाई थी जब आप बोर्ड ऑफ रेवेन्यू में इंजीनियर थे तो कितनी थी। तो यहाँ पे मेरी सैलरी थी 70,000, तो मैं वही लिखूँगा, ठीक है दोस्तों। तो इसी तरह से आप ये सारे एक्सपीरियंस अपने भर सकते हैं। और यहाँ पे आपने क्या लिखना है, एक्सपेक्टेड सैलरी यानी अगर आप स्टील मिल को ज्वाइन करना चाहते हैं तो आपकी सैलरी कितनी होनी चाहिए। अगर आप एक्सपेक्ट करते हैं कि मेरी सैलरी कम से कम 1,00,000 होनी चाहिए तो आप 1,00,000 लिखें, 2,00,000 लिखना चाहते हैं तो 2,00,000 लिख लें, 1,50,000 लिखना चाहते हैं तो वो लिख लें। तो ये सारी चीज़ें। तो फ्रेंड्स इस तरह आप जो है अपने एक्सपीरियंसेस लिख सकते हैं। और यहाँ पे टोटल एक्सपीरियंस यानी आपके एक्सपेक्टेड सैलरी लिख के यहाँ पे आपने टोटल एक्सपीरियंस लिखना है। एक्सपेक्टेड सैलरी के बारे में मैंने आपको बताया, इसके बाद आपको टोटल एक्सपीरियंस यहाँ पे करना है शो कि कितना आपका एक्सपीरियंस है, 2 साल है, 3 साल है, 5 साल है, 7 साल है, 20 साल तक है। तो जितना आपका हो तो वहाँ पर आपने जैसे
एग्जांपल के तौर पर मैं 5 साल लिखता हूँ और यहाँ पे सैलरी में 1.5 लाख रुपए लिख लेता हूँ, ठीक है। तो यहाँ पे अभी आपने करना क्या है, इसको सबमिट कर देना है, ठीक है। यहाँ पे आपने सबमिट का बटन दबा देना है और ये सबमिट हो जाएगी आपकी एप्लीकेशन। उसके बाद आपको कॉल आएगी या मैसेज आएगा या कुछ भी आएगा, तो वो आपको इंटरव्यू या टेस्ट के लिए कॉल कर देंगे। तो दोस्तों ऐसी बहुत सारी हम जॉब एडवर्टाइजमेंट और उसके बारे में डिटेल आपको बताते रहेंगे। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, हमारे वीडियोज़ को लाइक कीजिएगा, अपने दोस्तों के साथ वीडियोज़ हमारे शेयर कीजिएगा। इंशाल्लाह फिर हाज़िर होंगे एक नई जॉब के साथ, एक नई वीडियो के साथ। तब तक अपने होस्ट को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।